पैसे की कमी से 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब मेडिसिनल प्लांट की खेती और प्रोसेसिंग से सालाना 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं श्वेता टेक टिप्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के अमरेश सिंह के बारे में। यह ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर मेडिसिनल प्लांट की खेती कर रहे हैं और इससे सालाना 30 से 35 लाख रुपए उनकी कमाई हो रही है। तो इनकी सफलता की क्या कहानी है, इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस और बिजनेस आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले अमरेश सिंह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे करके वे 12वीं तक पढ़ाई कर सके। इसके बाद खेती के काम में पिता का हाथ बटाने लगे और आगे खेती को ही अपना करियर बना लिया। अभी वे 35 एकड़ जमीन पर मेडिसिनल प्लांट जैसे कि लेमन ग्रास और सुगंधित फूलों की खेती और इसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं। इससे सालाना 30 से 35 लाख रुपए उनकी कमाई हो रही है। 40 साल के अमरेश की गिनती देश के प्रगतिशील किसानों में होती है। सैकड़ों किसानों को वे ट्रेन कर चुके हैं। अभी भी कई लोग उनकी देखरेख में खेती कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। अमरेश शुरुआत में पारंपरिक खेती करते थे, बाद में उन्होंने सब्जियों की खेती भी की, लेकिन उन्हें इसमें ज़्यादा कमाई नहीं हुई। ऊपर से जानवर भी बड़े लेवल पर फसल को नुकसान पहुंचाते थे। इस समस्या से निजात पाने का वे उपाय ढूंढ ही रहे थे, तभी उनके एक परिचित ने मेडिसिनल प्लांट की खेती के बारे में जानकारी दी। इसके बाद अमरेश ने लखनऊ स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CSIR से मेडिसिनल प्लांट की खेती की ट्रेनिंग ली और गांव लौटकर 4 एकड़ जमीन पर इसकी खेती शुरू कर दी। पहले ही साल उन्हें कामयाबी मिली और अच्छी कमाई हुई। साथ ही जानवरों के नुकसान से भी छुटकारा मिल गया, क्योंकि इन प्लांट्स को जानवर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अमरेश बताते हैं कि जब इसकी खेती से अच्छी कमाई होने लगी तो मैंने अपने यहाँ एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। इससे अलग अलग तरह के ऑयल तैयार कर मार्केट में सप्लाई करने लगा। बाद में उन्होंने लेमन ग्रास से चाय और कॉफ़ी बनाकर बेचना शुरू किया। अभी वे हर महीने 3 से 4 हज़ार प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित देश भर से उन्हें ऑर्डर मिलते हैं। हाल ही में थाईलैंड में भी उन्होंने अपने प्रोडक्ट भेजे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम से अपनी कंपनी भी रजिस्टर की है। अमरेश अभी मुख्य रूप से मेंथा, लेमन ग्रास, पामारोजा, सिट्रोनिला और तुलसी की खेती करते हैं। मेंथा 6 माह की खेती है। इस पौधे से जो ऑयल निकाला जाता है उससे कफ सिरप, फूल का पाउडर, पान मसाला जैसी चीज़ें तैयार होती है। इसके प्लांट की पहली कटिंग 100 दिनों में और दूसरी कटिंग 45 से 50 दिनों में होती है। सिट्रोनिला और पामारोजा का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में, गुलाब जल तैयार करने में और स्किन संबंधित बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जबकि तुलसी इत्र, सांस की बीमारी, कमजोरी, डायबिटीज, एरोमाथेरेपी के इलाज में उपयोग किया जाता है। लेमन ग्रास की खेती बहुत ही आसान है, यह किसी भी मिट्टी पर हो सकती है। बस जल जमाव वाली जगह नहीं होनी चाहिए। जरूरत के मुताबिक साल भर इसकी खेती की जा सकती है। पहली बार खेती करने पर फसल तैयार होने में 60 से 65 दिन का वक्त लगता है, जबकि दूसरी बार में सिर्फ 40 से 45 दिन लगता है। एक बार प्लांटिंग करने के बाद 4 से 5 साल तक फसल का लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए महीने में एक बार सिंचाई की जरूरत होती है। चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले लेमन ग्रास की पत्तियों को काटकर धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद उसे 1-1 इंच के टुकड़े में काट लिया जाता है। इसके बाद इसमें मोरिंगा यानी सहजन का पाउडर, तुलसी पत्ता और स्टीविया मिलाया जाता है। इस चाय में चीनी डालने की जरूरत नहीं है। स्टीविया के पत्तों में चीनी से ज़्यादा मिठास होती है। इसके बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से इलायची और अदरक भी मिलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अमरेश सिंह की तरह ट्रेडिशनल खेती को छोड़कर कुछ अलग हटकर खेती में अपना करियर बनाना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों,
इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहिएगा। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।